तो हेलो दोस्त लोग, नमस्ते आप सब लोगों को। हेलो दोस्तों, हाय, आप सब लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पे। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं फिर से आ गया आप लोगों के सामने। कुछ महीने पहले मैं दो वीडियो रिलीज किया था बुक्स के बारे में, ड्राइंग बुक्स। एक था बच्चे लोगों के लिए और एक था इंटरमीडिएट है बड़े लोगों के लिए। फिगर ड्राइंग बुक्स था एक वीडियो, यहाँ पे देख लेना। और एक था जूनियर आर्टिस्ट लोगों के लिए, यहाँ पे देख लेना। ये मेरा प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो भी बुक्स के बारे में है, लेकिन वाटर कलर बुक्स। थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आप में से जो लोग वाटर कलर में थोड़ा एक्सेल अप करना चाहते हो, वाटर कलर में थोड़ा कमांड लाने चाहते हो, उन लोगों को गाइड का, प्रॉपर गाइड का बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैंने सोचा एज एन आर्टिस्ट से कि आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। जिन बुक्स मेरे स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करता हूँ, आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ। तो पूरा वीडियो देखते जाइए, पेज बाय पेज मैं रिव्यू करूँगा आप लोगों के सामने, कौन सा बुक्स वाटर कलर के लिए आप लोगों के लिए सही होगा। और पूरा वीडियो देखिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सब लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का वीडियो जैसे कि मैं बताया वाटर कलर बुक्स के ऊपर है। आप में से जो लोग वाटर कलर करना चाहते हो, एक्सेल अप करना चाहते हो, एडवांस वाटर कलर सीखने के लिए, उन लोगों को मैं ये तीन बुक रिकमेंड करूँगा। ये मिलिंद मल्लिक सर का बनाया हुआ बहुत खूबसूरत बुक्स है। ज्योत्सना प्रकाशन से ये निकला हुआ है, पब्लिशर का नाम है ज्योत्सना प्रकाशन। तो चलिए पन्ने पलटते हैं एक एक करके और पेज बाय पेज आप लोगों को मैं रिव्यू दूंगा। इस बुक का खासियत यह है, ये सिंपल तरीके से बना हुआ है। इसका प्राइस है 500 रुपीज़ इस बुक का, पर्टिकुलर बुक का। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हो प्लीज़ कीजिएगा। यहाँ पे कंटेंट्स दिया हुआ है एक एक करके, जो सब आप लोगों को सिखाया जाएगा इस बुक्स में। और पेज बाय पेज आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कैसे कैसे वाटर कलर को स्टडी करना है, बनाना है, कलर के ऊपर, कंपोजिशंस के ऊपर, इफ़ेक्ट्स के ऊपर, टेक्निक्स के ऊपर सब आपको बताया गया है। ये आप पढ़ लेना, सिर्फ पिक्चर नहीं देख के डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ठीक है, ये सब बताया हुआ है। ये पढ़ भी लेना आप लोग, क्योंकि ये ज्ञान भी आपको बहुत ज़रूरी है अच्छे वाटर कलर आर्टिस्ट बनने के लिए। मैं एक एक करके पन्ना पलटता रहता हूँ और आप लोग देखते जाइए कितना सुंदर खूबसूरत पेंटिंग बनाया है सर ने। मिलिंद मल्लिक सर से मैं पर्सनली बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, आई मीन टू से उनके काम से, नॉट फिजिकली, बट उनके काम में बहुत सालों से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ उनसे, उनके बुक से। उनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी आता है यूट्यूब की किसी चैनल पे, मैं देखा था। जैसे देखिए ये सब पिक्चर कितना कॉन्ट्रास्ट, कितना सूदिंग है आइज के लिए। आप लोग देखते जाइए, बहुत ही बढ़िया पेंटिंग है। इंडिया में जितना लिविंग ग्रेटेस्ट वाटर कलर आर्टिस्ट है उनमें से एक है मिलिंद मल्लिक सर। मिलिंद मल्लिक सर का बुक्स बहुत फेमस है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों को नहीं भी पता हो सकता है। जो लोग स्पेशली बिगिनर्स है उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। ट्रैवल के टाइम में भी सर ने बहुत कुछ बनाया है, जैसे देख रहे हो प्लेन एयर पेंटिंग। इसके बारे में नया से क्या बोलने का, लाइव लोकेशन में जाके ईजल के ऊपर रख के जो पेंटिंग बनाया जाता है उसको प्लेन एयर पेंटिंग बोलता है।
तो देखिए कितना सुंदर, रियलिस्टिक लेकिन मिनिमलिस्टिक भी है सर का पेंटिंग। उतना डिटेलिंग खासियत नहीं रहता, एब्स्ट्रैक्ट कुछ सजेशंस रहता है। फोटोग्राफ से लेके कैसे बनाया जाता है पेंटिंग, वो भी डेमोंस्ट्रेट किया गया है इस बुक्स में। देखिए अभी ये फोटोग्राफ है, उसके बाद स्केचेस, थंबनेल्स बनाया गया है, उसके बाद कलर, लूज कलर, उसके बाद उसको डिटेलिंग वर्क में ऐसा ट्रांसफ़र किया गया। अभी देखिए कैसे फोटोशॉप या कंप्यूटर में जाके आप लोग एक पिक्चर को एडिट करके इस तरीके से बनाकर फिर उसके ऊपर ड्राइंग कर सकते हो। तो बहुत कुछ टेक्निक भी बताया गया है बहुत सुंदर तरीके से। ये जो लिखा जो राइटअप से ये भी आप पढ़ लेना। देखिए पिक्चर से ये पिक्चर बना है, इसका थंबनेल स्केच ये है, उसके बाद ऐसा बनाया गया। तो डेमोंस्ट्रेट में पूरा तो पढ़ नहीं सकता, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत 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 लंबा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा एक ओवरव्यू दे रहा, कितना स्टाइलाइज किया गया है इस पिक्चर को। नीचे का पोर्शन पूरा वाइट छोड़ दिया गया। अब ये वाला देखिए, एक विलेज का सीनरी है। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिए, वाटर कलर के साथ खेलिए। वाटर कलर मीडियम बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये पूरा पानी का कंट्रोल जिसको आता है करने के लिए, और वो एक दो दिन में नहीं आता है, सालों का मेडिटेशन की तरह उसमें लगे ही रहना पड़ता है, उसके बाद पानी का ऊपर कंट्रोल पूरा आ जाता है। तो फिर कलर के साथ आप खेल सकते हो, ठीक है। सर ने हम लोगों को बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है वाटर कलर के बारे में। मुझे लगता है मेरा जो सजेशन किया गया, जो बुक्स है जो दिखाएंगे अभी, इसके बाद भी दो बुक्स है, वो बुक्स अगर आप फॉलो कीजिएगा तो मुझे लगता है आपका जो अभी का जो लेवल है वाटर कलर का, तो बहुत गुना बढ़ जाएगा, एक्सेल अप होगा। अगर आप आर्टिस्टिक गोल को सुंदर तरीके से अचीव करना चाहते हो एज एन वाटर कलर आर्टिस्ट, तो फॉलो कीजिए ये सब बुक्स को, और सब्सक्राइब करके भी रखिए क्या मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव सुंदर सुंदर बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे आता रहता है। मैं रेगुलर बेसिस में लाता हूँ, शुक्रवार को शाम 7 बजे मेरा वीडियो आता है। अभी देखिए यहाँ पे कितना एनिमल स्टडी किया गया है सर का, सर ने कितना सुंदर पोर्ट्रेट भी बनाया गया, लेकिन ये मिनिमलिस्टिक इफेक्ट है, डिटेल्स नहीं है। यहाँ पे फिगर स्टडी भी बहुत सुंदर है, कलर के ऊपर कितना सुंदर कंट्रोल है, कहाँ पे क्या कलर देना होगा, ये भी बहुत, ये मोनोक्रोम था। आप देखते जाइए पूरा वीडियो अंत तक, क्योंकि इसके बाद जो दो बुक्स और भी है उनमें भी बहुत कुछ देखना है, सीखना है, जानना है आप लोगों को। तो देखते जाइए पूरा वीडियो। मेरा मानना है कि वाटर कलर के लिए आपका माइंड का एक स्थितावस्था जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, वो ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सुंदर मीडियम है। इसका बारे में जो एक्सपीरियंस नहीं किया है उसको समझाया नहीं जा सकता बोल के। देखिए कितना मोनोक्रोम, सुंदर मोनोक्रोम पोर्ट्रेट आर्ट है सर का। बहुत मिनिमम पैलेट यूज़ किया गया है ये सब पिक्चर में, देखिए बहुत कम रंग का यूज़ किया गया है। इसको भी देखिए बहुत मिनिमम कलर का, कॉन्ट्रास्ट जिसको बोलते हैं वो सब कलर का यूज़ किया गया है। कहीं पे टर्शियरी कलर यूज़ किया गया है। अभी राइट में जो दो फिगर देखिए कितना सुंदर मिनिमलिस्टिक तरीके से बनाया गया है, आँख नाक कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी समझ पा रहे हैं। अभी देखिए मिनिमलिस्टिक इफेक्ट, मिनिमल कलर यूज़ की गया है, मोनोक्रोम भी है ये आपके, है ना। तो आप लोग इस बुक से आप कॉपी भी करके, मुझे लगता है शुरुआत में आप लोग कॉपी कर सकते हो, ये थोड़ा छोड़ देना पड़ता है, कॉपी करके भी अपना स्किल बढ़ा सकते हो, उसके बाद खुद का काम डेवलप कीजिए धीरे धीरे। ये तो यही था इस बुक का, फर्स्ट बुक का ओवरव्यू। यहाँ पे देखिए पर्सपेक्टिव का ख्याल किया रखा है, पर्सपेक्टिव का अंदाज़ा लगा के आप लोग को करना है। लास्ट में सुंदर बहुत विलेज का एक सीनरी है,
तो यहाँ पे मिलिंद मल्लिक सर का बायोडाटा छोटे तरीके से लिखा गया है, यह पढ़ लेना। तो ये बुक 500 रुपये का प्राइस था ज्योत्सना प्रकाशन से, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाएगा, आप खरीद सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक मेरे सामने जो है ये भी मिलिंद मल्लिक सर का ही है, वाटर कलर पेंटिंग्स के ऊपर विथ फोटो रेफरेंस, ठीक है। ये भी देखिए, मैं एक एक करके पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को। इसका प्राइस है 200 रुपीस। तो चलिए एक एक करके पन्ना देखते हैं हम लोग। इस बुक का खासियत है यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से फोटो रेफरेंस, थंबनेल्स, स्केचिंग का, पेंटिंग का भी दिखाया गया है, जो आप लोग फॉलो करके बना सकते हो घर में भी। देखिए स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है, ठीक है। तो आप में से जो बिगिनर आर्टिस्ट है उन लोगों के लिए बहुत आसानी होगा पकड़ने के लिए वाटर कलर कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे 5 स्टेप में दिखाया गया है, तो बहुत सुंदर तरीके से इस बुक को बनाया गया है आसानी से जैसे समझ पाने के लिए स्टूडेंट लोगों को। तो फ्रांस में बनाया गया है सर का, फ्रांस में जब गए थे, ऊपर में नाम भी लिखा है जहाँ पे ये पिक्चर बनाया गया है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए। और एक बात बोलना था, जो ये बुक्स कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जो सब बुक हम दिखा रहे हैं ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। मैं जो सिखा था वो मेरे ऑनलाइन क्लास में मेरे स्टूडेंट्स को, वही सब बुक्स आपको, आप लोगों को भी मैं रेफर कर रहा हूँ। अगर हो सके तो आप खरीद सकते हो। और मेरा ऑनलाइन क्लास का अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए तो मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो उसमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन क्लास अवेल करना चाहते हो मुझसे। तो देखिए यहाँ पे भी कितना सुंदर तरीके से सर स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है इस बुक्स में कैसे बनाया जाता है वाटर कलर। तो देखते जाइए वीडियो और एंजॉय द फुल वीडियो। ये था मेरा सेकेंड बुक का रिव्यू। और इसके बाद और एक बुक है, इसका दाम था 200 रुपया। चलिए इसको साइड में रखते हैं, इस बुक को आते हैं नेक्स्ट बुक, थर्ड बुक। ये भी मिलिंद मल्लिक सर का ही है,
ये लैंडस्केप के ऊपर है, लैंडस्केप्स बनाना जिनको अच्छा लगता है, बनाना चाहते हैं वाटर कलर के ऊपर, उनके लिए ये बुक बहुत खास हो सकता है। इसका दाम 300 रुपया। तो आप देखते हैं पन्ना पलट पलट के इस बुक में क्या क्या है। वाटर कलर लैंडस्केप स्टेप बाय स्टेप बाय मिलिंद मल्लिक सर। तो पन्ना पलटते आपके सामने कंटेंट्स आ जाएगा, इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया है उस सब का एक समरी है। तो देखते हैं पेज बाय पेज इसमें क्या क्या है। इस पेज में डिस्कस किया गया है बिगिनिंग के लिए कलर पैलेट का एक पिक्चर भी दिया गया है, उसमें क्या क्या रंग है वो भी डिस्कस किया जाएगा मुझे लगता है। आप लोग भी जुड़े रहिए, देख पाइएगा कितना सुंदर तरीके से कलर का यूज में लिया है सर। देखिए ऊपर का जो स्केच है उसका नीचे थंबनेल है स्टेप बाय स्टेप वॉश कैसे किया जाता है। वाटर कलर में वॉश का बहुत बड़ा महत्व है। वॉश अगर आपका सही से नहीं हुआ तो कलर मैंने पूरा पिक्चर डल पड़ जाता है। तो कैसे ग्रेडेशन लाना पड़ता है, लिया जाता है, उसका भी डिस्कस किया गया। जो लिखा हुआ जो राइटअप से वो भी आप पढ़ लेना, क्योंकि वो डिस्कस करने का टाइम इस वीडियो में नहीं मिलेगा मुझे। तो वेट इन वेट टेक्निक जो होता है वाटर कलर में, वेट इन वेट टेक्निक के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कलर कितना लेंगे, पानी कितना लेंगे, उसका रेशियो से कैसे कैसे कलर मॉडिफाई होता है उसका भी डिस्कशन है। वेट इन वेट टेक्निक का असाइनमेंट दिया गया है, तो वो सब भी आप कर लेना खुद से। देखिए कितना सुंदर इफेक्ट लगा है वेट इन वेट, ये भी वेट इन वेट टेक्निक है। उसके स्टेप बाय स्टेप से फर्स्ट ये सेकंड स्टेप है, सुंदर तरीके से बहुत 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 खूबसूरत से इस बुक्स में डिस्कस किया गया है वाटर कलर के बारे में। ये सब्जेक्ट बहुत सुंदर टॉपिक में है, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में किसी चैनल में ऐसा बुक का पेज बाय पेज रिव्यू है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। यहाँ पे कलर व्हील जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिगिनर आर्टिस्ट के लिए, वो सब डिस्कस किया गया है। कलर पैलेट कैसे सजाना है, क्या क्या कलर लेना है, क्या क्या कलर में आपको काम करना है, कौन सा कलर आप यूज़ में ले सकते हो, वो सब के लिए ये बुक बहुत खास है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स लैंडस्केप वाटर कलर आर्टिस्ट। आप लोग देखते जाइए, कलर व्हील के बारे में आप खुद भी स्टडी कीजिए, वो किसी मीडियम में भी आपका काम में आएगा, सिर्फ वाटर कलर नहीं, आप जिस भी कलर मीडियम में आप चाहेंगे तो वाटर कलर, एक्रिलिक, ऑयल, कोई भी कलर मीडियम में आपको कलर व्हील का बहुत सीखना ज़रूरी है, वो भी आप सीख लीजिए। यहाँ पे और एक असाइनमेंट है वेट इन वेट टेक्निक, ग्लेजिंग कैसे किया जाता है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप है, कैसे सुंदर तरीके से 1 2 3 4 स्टेप में बताया गया है ग्लेजिंग टेक्निक कैसे यूज में लिया जाता है। तो आप लोग देखिए। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आप तक महसूस कर रहे हो तो ये उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सब लोगों के से। मेरा हिंदी उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मैं टाइम टू टाइम मैं इम्प्रूव कर जाऊँगा हिंदी में। तो ये भी एक सुंदर तरीके से दिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप में। आप लोग देखते जाइए, वीडियो तो ख़त्म होने वाला है कुछ देर में। तो ये तीनों बुक आप अगर हो सके तो ख़रीद लेना। ये ब्रश वर्क के ऊपर है, ब्रश वर्क से कैसे पेड़ों को और ग्रासेस को बनाया जाता है वो भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। ठीक है, सिर्फ पिक्चर नहीं, राइटर्स को भी पढ़ लेना दोस्तों अगर हो सके तो। मुझे लगता है कि ये सब पढ़ना भी आपको ज़रूरी है। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। यहाँ पे सिंपल तरीके से बताया गया है कैसे कैसे वॉश में यूज में लिया है। देखिए 1 2 3 स्टेप में कितना सुंदर, ये पिक्चर भी आप लोग देख सकते हो कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया सर ने। तो मिलिंद मल्लिक सर को आप लोग फॉलो कीजिएगा, मुझे लगता है मुझे जैसा हेल्प मिला है उनसे जो गाइडेंस मिला है
वैसा गाइडेंस किसी से नहीं मिला, तो आप लोगों को भी मिल सकता है। तो ये सब उनका बुक से, इसके अलावा भी बहुत सारा बुक से मिलिंद मल्लिक सर का, लेकिन मुझे लगता है ये तीन बुक्स होने के बाद आपको और कुछ बुक्स ना भी अगर खरीदे तो भी चलेगा, आप खरीद सकते हो अगर आपको मर्जी है तो, लेकिन ये तीन बुक होना आपको चाहिए। तो तीन बुक आप दे दें, ले यहाँ पे देख लेना कवर को और खरीद लेना। ये देखिए कैसे स्केच थंबनेल ऐसे बनाया गया है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कलर उसमें चढ़ाया गया है लेयर बाय लेयर। लोग वीडियो ख़त्म होने वाला है, ये लास्ट सुंदर, बहुत सुंदर पिक्चर है ये, इतना सुंदर आर्ट वर्क। ये था लास्ट पेज इस थर्ड बुक का। ये बुक बिगिनर आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है जो लैंडस्केप में अच्छा काम करना चाहते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं फिर से आऊँगा नेक्स्ट फ्राइडे को शाम 7:00 बजे। तब तक बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब।